आप उसका दुरुपयोग करने लगे और नाले का भी आपने बना लेकर बेचना शुरू कर दिया। बना लेते हैं, पहले भी बात आज मैं आपका 5,000 का चालान कर रहा हूँ और 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 5,000 का चालान हो रहा है और 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। आप अपने को गुलाम व्यवस्था कर लीजिए, अगली बार मैं आऊँगा सारा सामान लिख सकूँ, ठीक है। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी और पुलिस विभाग हल्द्वानी के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। आज हमारी प्राथमिकता है नैनीताल रोड को साफ करना है। यहाँ पर जो वेंडिंग जोन में कार्डधारी वेंडर हैं, ठेले वाले हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने अवैध ठेले वाले हैं, हाल फिलहाल के दिनों में अवैध तरीके से बिना किसी लाइसेंसिंग के आ करके जगह जगह खड़े होकर के जाम लगाते हुए अपना व्यवसाय करने का काम कर रहे थे, उन सबको चेतावनी देते हुए उनके सामानों को जब्त किया गया है। अगर वो पात्र होंगे तो उनका लाइसेंस बनवाया जाएगा, उनको वेंडिंग जोन में जगह दिलाई जाएगी, अगर अपात्र होंगे तो उनको हटाया जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए लगातार पिछले कई समय से व्यापारियों का भी कई ज्ञापन मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की बात मुझसे की गई थी, लेकिन इस बीच चुनाव में व्यवस्था के कारण हम लोग उस पर समय नहीं निकाल पा रहे थे। चूंकि चुनाव अब निपट चुका है, इसलिए हम अब हल्द्वानी शहर की तरफ हमारा ध्यान गया है और अतिक्रमण मुक्त कराना जाम की स्थिति रोज बन रही है, इस नैनीताल रोड पर निकलना मुश्किल है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।